अपन संस्कृति अपने पछाण बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव की हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो आज का ये ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ सुंदरी नाग मंदिर जो कि है हमारे गांव से आगे उस साइड को पहाड़ी है एक, तो उधर ऊपर में ये भी दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ पर है मंदिर। फिलहाल तो मैं अभी भाई का और ताऊ का वेट कर रही हूँ। भाई अभी आ रहा है, ताऊ भी अभी नीचे जो बगड़ हमारा घर था वहाँ से आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। फिर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये पंकज आ गया है, नहीं आई गाड़ी, आई थी चली गई। पैदल जाएंगे हम, हमें उस मंदिर कहाँ जाना है, इधर इधर कहीं ऊपर। हाँ तो अभी आए हैं, चल चलते हैं। यहाँ से जाना है हमें उधर। चलो भाई यहाँ से चलते हैं, आप कुमार लगेंगे। हैं नहीं लगेंगे, यहाँ पे तो पार लगेंगे शायद। ऐसे वातावरण में पहुँच के घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग शांत रखना है और नदी के सहारे चलते जाना है, कहीं ना कहीं बस्तियाँ मिल जाती हैं। वो देखो वहाँ पे क्या है, घुरड़। भालुओं का खतरा ऐसे में बना रहता है, ऐसे में बेहतर यही है कि अपने दिमाग पे संयम रखें और अपने साथ गैंग लेके चले शोर मचाते हुए। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? एक कम से कम 5 फुट होगा यहाँ से छलांग मारने में। बैठ बैठ के जाने में ही सुरक्षा। हम वाइट जूते पहन के आ गए, अब देखते हैं क्या होता है, आपको दिखाएंगे हम अपने जूते लास्ट में। ऐसे में बेहतर यही है कि अपने दिमाग पे संयम रखें और अपने बुजुर्गों के पीछे चलते रहें। भालुओं का डर बना रहता है ऐसे जंगलों में, घने बीहड़ जंगल है यहाँ। नदी के किनारे किनारे चलते रहिए, आपको कोई ना कोई बस्ती जरूर मिल जाएगी। ये देखिए क्या है ये गुण। तो दगड़ियों मैं कुछ खा के नहीं आई थी, ये खा के आए है, अब मैं मंदिर में ही खाऊंगी। खा लो। शाम के 4 बज सकते हैं मंदिरों में। चल मेरे को भी दे यार इसको स्वाद, भुने हुए मुर्गे जैसा है। घने बीहड़ जंगलों में जब रास्ता ख़त्म हो जाए और सिर्फ भोड़ी भोड़ दिखे, ऐसे में बेहतर यही है कि अपने हाथ में एक बिस्कुट थमाएं, एक ढूंढ पकड़ें और बैठ के खाने लगे। ऐसे में आपके साथी भी आपको छोड़ के आगे निकल सकते हैं। शेर भालू को मारने के लिए। इसने मेरा फोन भर दिया वीडियो बना बना। नहीं आता हूँ तेरे साथ, मत आ जा। ऐसी करती है जब भी आता हूँ। वीडियो नहीं बनाने दे रही है क्योंकि मालूम है ना, जब मैं वीडियो बनाता हूँ फोन ऐसा भर जाता है वो, तो अल्दानी में क्या दिल्ली में जाके भी स्टोरेज फ्री नहीं होती। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी, सिंगाने भी निकल रहे। ये देखो गाइस वुमन। चारों तरफ पेड़ों के होते हुए भी ये बोल देती है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दगड़ी है, हमने यहाँ पर थोड़ी देर अभी उजा, अभी गिर जाती हूँ। क्या खा रहा है तू, क्या खा रहा है? ऐसे गुटखा चबा रहा है। ऐसे बीहड़ जंगलों में भला यही है कि जो मिल जाए वो खा लो। यही खा रहा है, ये आंवला खा रहा है। तो दगड़ी अभी आधे से ज़्यादा रास्ता बचा है और धूप भी आ गई है, अब पंकज अपने अवतार में आ जाएगा, जादू वाले धूप, उसको शक्तियाँ मिल जाएंगी अब अपने। ये देखिए यहाँ पे धूप ले रहा है वो। मेरा माथा चमकेगा अभी। अब हम मस्त चमकेंगे धूप से, टैनिंग से। कुमार लग गए बहुत ज़्यादा। हम पहुँच चुके हैं सुरखेत गांव, अब यहाँ से नापड़ भी दिखेगा।
पार, अभी तो और ऊपर जाने। पछाड़ना होता है मिलने पे छेड़ी अच्छा तो चलो ना मोबाइल में भी पछाड़ो उम्मीद है। अच्छा अच्छा बाबा है घर एक महीने गया बरियाती दा हवे पापा रने वे पंका में हुआ जी अरे पाव ने अच्छा पाव वाल पे हां इज बाबू हां से पा रहे तो भैया से हम जा रहे हैं ऊपर ये देखो कितनी गोभियां लगा रखी है सारी गोभियां गोभी है बाप रे ये बेचते होंगे ना मार्केट में अच्छा ये देखो केले और रखे हैं गोलू की नजर है इन केलों में है गोलू ये देखो वहां से मुंशारी के पंचाचुली दिख रहा है और इधर सुंदरी नाग है नैनीहाल भी है मेरा और ये जो हाथी वाला टाइप दिख रहा है ये सामने ये काली नाग का मंदिर है इधर इसका नेट चलने लग गया यहाँ चल रहा है yes. देखा एक व्लॉग अपलोड हो जाएगा मेरा शायद शाम तक आहा क्या मस्त लग रहा है ये देखो पहुँचने वाले हैं देखो सामने हिमालय के पर्वत दिख रहे हैं पंचाचुली उससे भी ऊपर है हम पंकज इतनी दूर नेट चलाने गया था वो ऊपर उधर वाली पहाड़ियाँ भी दिखाऊंगी ऊपर ये देखो ये रहा हमारा गांव और पंकज गया था यहाँ नेट चलाने यहाँ बाप रे मेरा ब्लॉग डालने के लिए छोटी मोटी चढ़ाई है छोटी मोटी चढ़ाई है ऑफर करे तो मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता हूँ बोल रहे मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता हूँ तो आवेदन भर देना फॉर्म भी आते हैं उनके फिल करने के लिए चढ़ जाऊंगा पर वापस तभी मैं सोचूं इसने बर्फ वाले पहाड़ स्टेटस पे कहाँ से लगाए थे बेटा बहुत चंट हो रहा है तू कोई और इतनी ऊपर सीधा ऊपर चढ़ के गया और ऊपर से गाना गाते हुए जा रहा था तो जो घसेरी वगैरह थी वो घर में आके बोल रही थी पंकज सुन ही नहीं रहा था गाना गा गा के जा रहा था चलो अब चलते हैं अभी और जितना हम आए उससे उतना ही लगा लो अभी और बहुत तगड़ा जंगल बढ़ गया यहाँ पे तो अभी यहाँ पर पानी भर रहे हैं ऊपर पानी नहीं होगा मंदिर में खाना वगैरह बनाने के लिए तो गाइस हम पहुँच चुके हैं मंदिर ये देखो कितने कुमार लगे ये देखो ये कांटे हैं बड़ी मुश्किल से निकलेंगे ये कुमार पूरे हाथों में लग गए पीछे मुड़ पीछे भी है पीछे और नहीं तो क्या नहीं ज़्यादा नहीं है बैग में भी लगे लैपटॉप के ये कुमार निकाल रहे पहले तू निकाल फिर मैं निकालूंगी हाँ बहुत ज़्यादा है तेरे से ज़्यादा मेरे हैं ये देखो ये बहुत बुरी तरह चुभते हैं ये अंदर तक तो अभी मंदिर पहुँच चुके हैं ये रहा मंदिर अभी सामान निकालेंगे जुगुत्ता का फूल ये रहने दे इसमें जू और तेल इसमें रख दे बाकी फूल वगैरह तो यहाँ पे भी सभी लोग अपने घर से चावल वगैरह दाल वगैरह जितना भी सामान यहाँ पे पूजा के लिए यहाँ पे खाने के लिए बनता है वो सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा लाते हैं और सभी लोगों का जो खाना है यहीं पे बनता है फिर चावल
बहुत सारे लगे हैं। और ये जो चुभने वाले हैं ना, अच्छा ये चुभने वाले जा पीछे बड़े हैं। कुणा पे कौ पे मम्मी चाहे जल वीडियो जी हाँ। क्यों कहूँ जो तुम कुणे से के जेली मी मंदी जा रहा है बाटा नहीं दे पाए इन्होंने धो दो आ गयो या ला यहाँ भेट है गया यहाँ भेट है गया यहाँ बेर है यहाँ शे हो रहा ये मी भूख लगी अब कुणान दे मम्मी निसास लग गया ये तेर मम्मी निहाल आग रो पूरी बुरी आदमी ना है यू ना ते भेट हुई हाँ अब वीडियो में देखे जल मम्मी निशास लगाए मम्मी का इनको तो बोल रही थी कि मम्मी को वीडियो दिखा देना मेरी। अरे तो सब ले जाले सब ने जाल वीडियो में या मिल को आज गजब है सब तरफ गोलू का हलवा बन रहे हैं गोलू उनका भात बन गया भात पक रहा है कोयलों में कोयले में पक रहा है ना अब कोयले की राख से ये पत्ते से ढक रखा है ये बन गया हलवा मस्त वहाँ पे बन रही है हरी सब्जी पूरियाँ भी बना तो गाइज अब हम जा रहे हैं मंदिर से घर वापस। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे को कुमारी कुमार है ये अभी शेर भालू वगैरह से बचने के लिए लोग ये बजाएंगे अभी तौल बजाता पंकाय हाँ ये दूर से ही भागते हैं फिर ना वरना अचानक से भेंट होगी तो फिर डेंजरस रिस्क है। वर जल्दी भी पर न पालो वर जल्दी भी पर न पालो बीच में कल गंगा तो तेरा न खरा साली सुना म्यार मना जुर ले सो जाना इस तर धरे लो लो लोरी सुनाना ये है हमारा गांव नापड़ पेरा मेरा हमारा घर ये गांव हमारा और ऊपर वो हिमालय दिख रहे हैं हीरा होने वाला है और अभी हम गांव ही पहुँचे ये सुरखेत पहुँचे हैं बाप रे सुरखेत में इनके वहाँ रुके हम पानी वानी चाय वाय पिया अब हम चलते हैं गांव को ओके बाय।